पीएससी घोटाला, सीबीआई का एक्शन लगातार। अब सीबीआई जो है पीएससी घोटाले मामले में एक्शन ले रही है। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले मामले में सीबीआई एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी समेत कई जिलों में सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। वहीं धमतरी में पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी के ठिकाने पर दबिश दी गई है। सरबदा गांव में उनके घर पर सीबीआई की टीम ने करीब 4 घंटे तक जांच पड़ताल की। इस दौरान उनके घर से कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बता दें कि सोनवानी के परिवार के 3 सदस्यों का चयन पीएससी में हुआ था, जबकि दुर्ग के तालपुर इलाके में पूर्व आईएएस अमृत खलको के घर पर दबिश दी गई। साथ ही साल 2021 में हुई लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उनकी बेटी नेहा ने 13वां स्थान हासिल किया था, जबकि बेटे निखिल ने 17वां स्थान हासिल किया था। वहीं रायपुर के स्वर्ण भूमि में भी सीबीआई की टीम ने दबिश देकर छापा मारा और जांच पड़ताल जारी। तो सीबीआई जो है अब पीएससी घोटाले मामले में लगातार एक्शन ले रही है। प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी समेत कई जिलों में सीबीआई की टीम ने एक साथ दबिश दी। बिलासपुर में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पर सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। वहीं धमतरी में पीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी के ठिकाने पर भी सीबीआई ने दबिश दी है। सरबदा गांव में उनके घर पर सीबीआई की टीम ने करीब 4 घंटे तक जांच पड़ताल की। इस दौरान उनके घर से कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। बता दें कि सोनवानी के परिवार के 3 सदस्यों का चयन पीएससी में हुआ था, जबकि दुर्ग के तालपुर इलाके में पूर्व आईएएस अमृत खलको के घर पर दबिश दी गई। कार्रवाई तेज कर दी है। राजधानी रायपुर के साथ साथ दुर्ग, कुरुद और भिलाई में सीबीआई ने आज सुबह से अलग अलग टीमों ने रेड कार्रवाई की है, जिसमें राजधानी रायपुर के स्वर्ण भूमि में सीबीआई की करीब 7 से 8 सदस्यीय टीम ने छापा मारा है। और छापेमारी कार्रवाई में अलग अलग लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही है, उसमें एसके गोयल का नाम जो है वो सामने आया, जिनसे टीम ने जो है वो पूछताछ की है। जिन भी लोगों की संदिग्ध हैं, जो इस पूरे मामले में शामिल है, ऐसे लोगों के निवास पर सीबीआई ने छापा मारा है। वहीं कई लोगों के हिरासत में लेने की बात भी जो है वो सामने आ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से कार्रवाई जो है वो लगातार जारी अलग अलग जिलों में पड़ी है, इसमें बिलासपुर के कांग्रेस नेता के घर पर भी, राजेंद्र शुक्ल के घर पर जो है सीबीआई की टीम ने छापा मारा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और आने वाले समय में आगे इस मामले में और कई बड़े खुलासे जो है वो सामने आ सकते हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर।